पेटीएम फास्टैग में 905 रुपए है यहाँ पे, और इन्हों बोल रहे साहब ब्लैक लिस्ट है, जरा बाहर निकल जरा। कितने पैसे देना भाई? 190 देना, डबल देना। फास्टैग के अंदर पैसे रखकर भी देना। फास्टैग के अंदर है ना यहाँ तो ब्लैक लिस्ट कहीं को, किसका प्रॉब्लम है? तुम्हारा प्रॉब्लम है, फास्टैग का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? फास्टैग वाले को कहाँ जाकर पूछना आप? अब यहाँ से अब ठहरना हाईवे के ऊपर, हम सब बाजू में रुक कर ठहरना, ठहर कर उनको पूछना, प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना, नहीं तो डबल पैसे देना। ऐसा अच्छा गवर्नमेंट का रूल है? हाँ रूल है क्या उनका? प्रॉब्लम रहे अभी पैसे ले भी लेते हो ना, फिर सताते भी हो। नहीं बहुत गाड़ी जा रहा ना, हमारा गाड़ी तो रोके ना भाई, तो गलत है ना ये, हमारा गलती है, पैसा है ना अंदर, किसका है उन कहा है उन, यहाँ बैठना हुआ पीछे बैठना। फास्टैग के नाम पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक काला धंधा चल रहा है, ब्लैकलिस्ट के नाम पर, फास्टैग ब्लैकलिस्ट के नाम पर आम मासूम मुसाफिरों को लूटा जा रहा है, वो भी हाईवे के ऊपर। आखिर कब तक ये सरकार मजबूरों को लूटती रहेगी? क्या इसको रोकने का कोई रास्ता अब आम जनता के पास नहीं बाकी? नहीं, बल्कि बिल्कुल एक रास्ता मौजूद है कि इस बार सारी अवाम को एक होकर इस गवर्नमेंट को हमें हराना होगा, हमें अपनी वोट की ताकत दिखाना होगा। जब तक हम अपने वोट की ताकत इस गवर्नमेंट को नहीं दिखाएंगे, ये सरकार, ये गवर्नमेंट सुधरने वाली नहीं। पेट्रोल के नाम पर लूट, जीएसटी के नाम पर लूट, हाईवेज पर टोल फीसेस के नाम पर लूट, नोटबंदी के नाम पर लूट, हमारे खाने पीने के तेल के नाम पर लूट। जाग जाओ जनता, जाग जाओ, कब तक नहीं जाओगे? अगर अब नहीं जाओगे तो कभी नहीं जाग पाओगे। अरे यार, फास्टैग के वैलेट के अंदर पैसे होने के बावजूद हमें डबल पैसे देने पड़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस ब्लैकमेलिंग को रोकना चाहिए ना। कौन रोकेगा इस ब्लैकमेलिंग को? इस ब्लैकमेलिंग को रोकने का इंतजाम किसको करना चाहिए? इसको रोकने का इंतजाम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, मगर अफसोस हमारी गवर्नमेंट काली पट्टी अपनी आंखों पर बांध के रखी हुई, इसको कुछ नजर नहीं आता। इसको तो सिर्फ ये नजर आता है कि इसके खजाने में पैसे कैसे आएं, भले किसी के घर लूट जाएं, भले किसी की गाड़ियां बिक जाएं, भले किसी का जेवर बिक जाए, बस ये गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। हमें इस गवर्नमेंट को रोकने के लिए जो भी लीगल कार्रवाई है वो करनी होगी। हम अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम आगे हमारी नस्लों को बहुत परेशान करेंगे। मैं तो कहता हूं कि इस बार इस गवर्नमेंट को हराने के लिए हमें अपनी सारी ताकत लगाकर काम करना।